Hello everyone and warm welcome to Jeep Compass overall pictures and videos. और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम कलर्स कितने होते हैं आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है. डुअल टोन भी है, सिंगल कलर्स भी है, इसका एक्सटीरियर भी आप देख सकते हो, इंटीरियर भी देख सकते हो. और जो बेस्ट पार्ट जीप कंपस, कोई भी ब्रांड का जीप कंपस अगर आप लेंगे तो उसमें होता यूँ है कि जीप कंपस कभी भी आपको एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी देगा, एक बिल्ड क्वालिटी देगा. नो डाउट एक्सपेंसिव है मेंटेन करने में, ओवरऑल फीचर्स तो बहुत स्ट्रांग है, चाहे आप ब्रेकिंग की बात करें या ड्राइवर्स प्लेजर बात करें. बट ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी के बारे में देखें कि ये गाड़ी किस प्रकार से चलती है, इसका रोड प्रेजेंस क्या है, इसका सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी का है, इसका गियर इकोनॉमिक्स कैसे है, अर्गोनॉमिक्स कैसे है, तो हर मामले में कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द इंडियन ब्रांड्स को पीछे छोड़ता है. और मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है अगर आपके पास 20 से 25 लाख का वैल्यू है. ये आप ध्यान रखिए, जब भी आप इसको मेंटेनेंस तो लेके जाएंगे तो एटलीस्ट आपकी जेब में 10 से 15 हज़ार की यू नो एक लागत होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको वो थोड़ा सा महंगा एंड पे जाएगा. बट ऑल इन ऑल मैंने गाड़ी को ड्राइव किया है, मैंने गाड़ी को फील किया है, और अगर आप मुझे आज के डेट में अगर 25-30 लाख की कीमत दे तो डेफिनेटली आई प्रेफर जीप कंपस कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड इन इंडिया. ये जानते हुए भी कि ये महंगी है, ये गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, चाहे आप पेट्रोल लें चाहे डीजल लें, तो काफ़ी महंगे एंड पे आती है. इंटीरियर से अगर आप बात करें तो अगर देख सकते हैं आप ड्राइवर की सीटिंग पोजीशन है, कम्फर्टनेस है, जो डोर क्वालिटी है, जो डोर हैंडल्स, थर्ड है डोर का, ये बहुत ही एक्सट्रीमली यू नो वेल बिल्ट क्वालिटी में आता है. और कोई भी इस गाड़ी के टक्कर में फ़िलहाल आज भी खड़ा नहीं होता है, चाहे आप बूट स्पेस की बात करें. और अगर मुझे कुछ इसके बारे में मान लीजिए कुछ नेगेटिविटी बात करनी है या कुछ माइनस इसमें देना है तो यही रहेगा कि भाई जीप का अभी भी जो डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, ऑफकोर्स वहीं से आता है, सेम यू नो कंपनी से जो ऑब्वियसली प्यूजेट का है. और उसके बाद अगर आपको चेंजेस देखें तो कुछ मैसिव परिवर्तन हुआ नहीं है. तो यह रहा जीप कंपस का रिव्यू. थैंक यू.